और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिस के सामने होटल समीर पैलेस में यहाँ पर बरगी निवासी एक व्यक्ति की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बरगी निवासी एक व्यक्ति 4 से 5 दिन पहले होटल में रुका था, जिसके बाद आज बदबू आने पर ही होटल प्रबंधन ने कमरे में यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है का शव मिला हुआ है और फंदे पर वो शव लटका हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद होटल प्रबंधन ने यहाँ पर ओमती थाना पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं पूरे मामले में यहाँ पर होटल प्रबंधन की यहाँ पर लापरवाही भी उजागर हुई है, क्योंकि यहाँ पर होटल में रुका हुआ आदमी 3 दिन से कमरे से नहीं निकला। उसके बाद भी होटल प्रबंधन ने यहाँ पर उसके कमरे में जाकर चेक नहीं किया और जब शव से बदबू आने के बाद ही होटल प्रबंधन ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। शरद उपाध्याय है, ये मैनेजर है वहाँ के। उन्होंने सूचना दिया कि एक हमारे मतलब होटल में एक रूम है 102 नंबर, वो अंदर से बंद है, खुल नहीं रहा और स्मेल आ रही है। तो हमने पुलिस को भेजे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो जो कस्टमर था उनका वो फांसी पे लटका हुआ था। फिर सूचनाकर्ता की सूचना पर मर कायम कर उसकी सरपंचनामा कार्रवाई की गई। FSL टीम से पूरा चेक कराया गया, फोटोग्राफ कराया गया, बॉडी काफ़ी डिस्पोज हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया है।